क्या क्या हुआ? मोबाइल कैसे क्या बोली? एक ही तो बात नहीं कर रहा है ऑल दैट। क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ शी नोज़ एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते मन करता मुंह में घुस लूं। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां? रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करती नहीं हो, ना कारा हो, ना पुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन मुझे तुम तो बैटमैन बन गए। अरे मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब सारा ना कहानियों का दोष है, लड़की बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुशन जाए फिर कटिंग जाए, फिर कुशन कटिंग से मैच नहीं किए तो और कुशन जाए। साले मग इतने हैं मेरे यहाँ कि उन्हें बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज खरीदने जाएंगे वो चीज खरीद के नहीं आएंगे, 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है टेबल लेना है, 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा के लाएंगे, और फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है बात समझना, 2 मिनट कर लोगी तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो डर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा 2 नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की दही इस मोबाइल फोन ने किए, कतई घटे बैठे ले साली, कॉन्स्पिरेसी पट्टा है साल पट्टा। एक तो उनके एड भी देखो ना, लो जी 1 पैसे पर सेकंड, और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बन जाती है, फिर इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को, यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। तुझे मैं बता रहा हूँ उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है, सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ। मेरे वाली यू को वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कलम उसको पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया? नहीं, उसको पता था, वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा इंडिया जा रहा हूँ, नहीं तो 10 सवाल पूछती थी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो, आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है तू क्या? ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी SMS कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद SMS पे SMS शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में, 2 SMS का रिप्लाई मत करना, तुरंत फोन आएगा, फोन मत उठा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला ये आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं, और ये बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, बिकॉज़ दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस। था लोग कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। चलो ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ खा लो तो देखकर क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ? फिर साले घर जाओ, पहले इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ, इनके बाद खुद की भूख तो वैसी मर जाती है। इस सब के बाद भी अगर इंसान किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठा हुआ है चुपचाप, तो क्या घड़ी गई? क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूँ, क्या सोच रहे हो, कैमरा लगा दूँ दिमाग में। इस सब के बाद we never talk, we need to talk, I don't think it's working anymore. मैं तुझे बता रहा हूँ, you cannot discuss anything with a woman because they call it a discussion, but any discussion with a woman is an argument. और argument में तो तू बॉस उनसे जीत ही नहीं सकता, because हम आदमियों की एक basic need होती है to make sense in an argument. लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता sense इसी बेकासी चीज की वजह से वो argument कैसे आ रहे हैं। एक तो आज की बात पे argument आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद, यहाँ साला याद भी नहीं होता है 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़के बचा कर रखते, ये छोटा हथियार नहीं ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की, मुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से तू अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी उंगली नीचे कर, तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, सडनली द होल आर्ग्यूमेंट विल फ्लश डाउन द गटर और मुद्दा ये रह जाएगा हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी, किसने बनाया रूल, किसने चला वो बीच आर्ग्यूमेंट में तुम्हें झूठा फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। शादी के पहले मुझे आगे क्यों बचता है
क्योंकि ना बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, उनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अभी बता वो क्या करने आई थी तेरे पास यार? सेम चीज मैं करूं तो उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके अभी प्रॉब्लम गिराऊं तो कहेगी अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर, इट्स रिडिकुलस यार। मांगलियो ना मेरे साथ भी भाई चौधरी के पास जाने की क्या